प्रत्येक ओर अंधकार, मन मस्तिष्क में डर का साया, कालिमा के आगोश में नगर, चारों ओर छाई मायूसी, विवशता। प्रत्येक व्यक्ति को सूरज के निकलने की प्रतीक्षा। ये अंधेरा कब छटेगा? सूरज की लालिमा कब पड़ेगी? कौन शूरवीर इस ओर कदम बढ़ाएगा? किस तेजस्वी को हमारी चिंता सताएगी? वे दिन जब चारों ओर मुगलों का आधिपत्य था, हिंदुओं को मारा काटा लूटा जा रहा था, हिंदू महिलाओं की अस्मिता पर प्रत्येक क्षण डर सता रहा था, अपनी आवाज को उठाने का साहस न जुटा पा रहा था, तभी एक तेजवान युवा का अपनी माँ के साथ इस घनघोर बीहड़ स्थान पर आगमन। यहाँ पहले लहलहाती फसलें होती थी, प्रत्येक ओर खुशहाली छाई रहती, परंतु कई वर्ष बीत गए। जब मुगल यहाँ आए तो उपजाऊ भूमि को न मात्र बंजर कर गए, अपितु लूटपाट शोषण से परेशान होकर यहाँ के निवासियों को पलायन करना पड़ा। जो बचा वो मुगल उठा कर ले गए। अब यहाँ रहने वाले छिप छिप कर बड़ी कठिनाई से जीवन व्यतीत करने को विवश हैं। इतने वर्षों में किसी तेजवान निडर निर्भीक युवा को आते प्रथम बार देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। हिम्मत जुटाकर ये लोग युवा से मिलने पहुंचे। उनकी दशा देखकर तेजस्वी युवा की आंखें भर आईं। तेज चमकते मस्तिष्क वाले युवा की आंखों में करुणा देख लोगों ने अपनी सारी समस्या कह सुनाई। इसी दर्द को मन में समेटे इस युवा ने दृढ़ संकल्प लिया, हिंद साम्राज्य स्थापित होगा। और बिना समय गंवाए ये युवा हर संभव प्रयास में जुट गया। बिना सैन्य टुकड़ियों के तोरण का किला जीतकर अपने संकल्प की प्रथम सीढ़ी चढ़ ली। परंतु ये युवा रुका नहीं, बेधड़क निडर होकर ताबड़तोड़ चढ़ाई कर एक के बाद एक कर किले जीतता गया। सभी किलों पर भगवा पताका लहराने लगी, जो हिंदुओं को गर्व का अनुभव कराती, उनका साहस बढ़ाती, उज्जवल भविष्य नव भारत का अनुभव कराती। विशाल हृदय, मन में करुणा और संपूर्ण भारत में हिंदू साम्राज्य स्थापित करने की अभिलाषा रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी ने अपने साहस के बलबूते हिंदू साम्राज्य को लेकर जो भी स्वप्न देखे उन्हें सीमित संसाधनों में भी पूरा कर दिखाया। मुगल आक्रांताओं को उनके सामने झुकना ही पड़ा। ऐसे परम पराक्रमी अद्भुत साहसी शौर्य के प्रतीक शिवाजी का जब रायगढ़ किले पर राज्य अभिषेक हुआ तो पूरा मराठा साम्राज्य दुल्हन की तरह सजाया गया, भव्य आयोजन किया गया। अपने चहेते शिवाजी राजे को प्रत्येक व्यक्ति शासक बनते देखने के लिए लालायित था। जिस दिन शिवाजी महाराज बने वह दिन था ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। आज ही के दिन शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। वे लोगों के हृदय में तो पहले से ही बसे थे, अब शासक बनकर उनके रक्षक बन गए। शिवाजी में इस बात का घमंड लेश मात्र नहीं था, उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य एक क्षण में ही अपने गुरु के चरणों में सौंप दिया। उनके दिए एक भगवा कपड़े को राज्य की पताका घोषित किया और स्वयं सेवक बनकर राज्य की सेवा करते रहे। शिवाजी का प्रशासन इतना कुशल था कि उनके राज्य में कोई दुखी न रहता, हर मराठा उन पर अपनी जान छिड़कता। कहते हैं उनके निधन के 200 वर्षों तक उनके सेवादार किलों की रक्षा में वैसे ही तैनात बने रहे जैसा कि शिवाजी ने आदेश दिया था। इतना प्रेम एक शासक के प्रति कम ही देखने को मिलता है। उनके सुशासन की व्यवस्था ऐसी थी कि किसान गरीब महिला सभी प्रसन्नता से रहते। छत्रपति शिवाजी भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। अनिल माधव दवे ने अपनी पुस्तक शिवाजी एंड सुराज में लिखा है, महाराज को राज व्यवहार में भ्रष्टाचार, चाहे वह आचरण में हो या अर्थतंत्र में, बिल्कुल अस्वीकार्य था। उनके सौतेले मामा मोहिते ने रिश्वत ली। यह जानकारी महाराज को मिली तो उन्होंने तत्काल उसे कारागार में डाल दिया।
और छूटने पर पिता शाहजी के पास भेज दिया। 13 मई 1671 को शिवाजी ने अपने अधिकारियों को एक पत्र लिखकर रिश्वत ना लेने की सीख दी। शिवाजी लगान भी किसानों, गरीबों से कम, साहूकारों और व्यवसायियों से ज्यादा वसूलते, और यदि कोई दूसरे देश का व्यापारी किसानों के साथ चालाकी चलता तो शिवाजी उसे अच्छा सबक सिखाते। राष्ट्र की उन्नति का मार्ग धर्म से निकलता है। जिस राष्ट्र की संस्कृति सुरक्षित होती है, वहाँ की जनता संगठित होती है और राष्ट्र उन्नति के शिखर पर होता है। शिवाजी धर्म स्थापना और धर्मांतरण कर चुके हिंदुओं की वापसी के लिए प्रयत्नशील रहे। उन्होंने धर्म की रक्षा और संवर्धन के लिए गायों और मंदिरों की रक्षा को अपने राज्य नीति का लक्ष्य घोषित किया। राष्ट्र और धर्म समान है, धर्म बढ़ेगा सुरक्षित रहेगा, उसके आधार पर संस्कृति चलेगी सुरक्षित रहेगी, उसको चलाने वाला समाज जो सुरक्षित रहेगा तब राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। शिवाजी की युद्ध रणनीति के आगे अच्छे अच्छे योद्धाओं को हार का सामना करना पड़ा। शिवाजी के पास अपनी नौसेना भी थी। 350 वर्ष पूर्व ही शिवाजी अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके थे। उन्होंने सैन्य रणनीति में गुरिल्ला युद्ध जैसे नवीन तरीके अपनाए। शिवाजी राजे ने राजनीति में परिवारवाद को स्थान नहीं दिया। उनका शासन सही अर्थ में प्रजा का शासन था। 350 वर्ष पूर्व उन्होंने स्वराज्य, स्वधर्म, स्वभाषा और स्वदेश के पुनरुत्थान के लिए जो कार्य किया उसकी तुलना नहीं की जा सकती। शिवाजी महाराज मात्र एक व्यक्ति नहीं, वे एक विचार और युग परिवर्तन के शिल्पकार हैं। उनका शासन सुशासन और स्वराज्य का सबसे अच्छा उदाहरण है। उनकी नीति और रणनीति आज भी अनुकरणीय है।